हेलो वेलकम। आज हम चॉकलेट बैरल शेल्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह का स्पून है जो रेगुलर हम किचन में यूज़ करते हैं, इससे मुझे ये आइडिया आई है बैरल शेल्स बनाने की। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट सॉरी डार्क चॉकलेट लिया है, यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट, उसे हम इस तरह से स्पून के ऊपर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया था पहले, आप चाहे तो इसे डबल बॉइल करके चॉकलेट को मेल करके फिर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से स्प्रेड करने के बाद उसे हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। 5 मिनट के बाद चॉकलेट जो है ना अच्छे से सेट हो जाती है। फिर उसके ऊपर हम फिर से एक बार सेकेंड लेयर चॉकलेट का कोट करेंगे और फिर से उसे एक बार 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है हम रिमूव करेंगे। 5 मिनट के बाद चॉकलेट है बहुत ही अच्छे से सेट हो गए और इजीली डीमोल्ड होते हैं। चॉकलेट शेल बन के यहाँ पर हमारी तैयार है। इस तरह से आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके केक के लिए डेकोरेशन करने के लिए आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसे फ्रिज में रख दें। यहाँ पर मैंने 4 चॉकलेट के शेल्स बनाए, यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट भी यूज़ किया मैंने। यहाँ पर मैंने वैनिला स्पॉन्ज यूज़ किया है, इसे हम इस तरह से क्रम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे शुगर सिरप। बस हल्का सा थोड़ा सा इसे में शुगर सिरप ऐड करेंगे और इसे सॉफ्ट डो रेडी करके इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। 15 मिनट के बाद जो चॉकलेट्स के बॉल्स हमने बनाए केक के वो अच्छे से सेट हो गए, उसे हम व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट में इस तरह से हम डीप करके कोट करेंगे। और इसी तरह से मैं सारे केक के बॉल्स से उन्हें चॉकलेट से कोट करके फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद चॉकलेट जो केक के बॉल्स बनाए वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने शेल्स लिए, उसके ऊपर हम व्हाइट चॉकलेट स्प्रेड करेंगे मेल्टेड, और बॉल जो बनाया था उसे हम फिक्स करेंगे। और इस तरह से चॉकलेट लगाकर दूसरी शेल उसके ऊपर अटैच करेंगे और साइड से यहाँ पर मैं मेल्टेड चॉकलेट अप्लाई करके इस तरह से इसे फिक्स करेंगे। सेम उसी तरह से हम डार्क चॉकलेट शेल भी बनाएंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। और सेट करने के बाद चॉकलेट पेरल शेल आपके यहाँ पर तैयार होती है और इसे आप केक डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो आप डायरेक्टली से इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने चॉकलेट शेल्स बनाने की जो आइडिया है आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। इस तरह से हम चॉकलेट के शेल्स बनाकर केक के लिए डेकोरेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक है और बहुत ही सिंपल सी आइडिया है। फिर मिलेंगे हम ऐसे एक और